हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिक्सल लैग एप्लीकेशन से आप यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जाना है पिक्सल लैग एप्लीकेशन में आपको। दोस्तों, अगर आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखेगा इमेज साइज। तो इमेज साइज पर आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए कस्टम कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर यूट्यूब बैनर बना है तो यूट्यूब बैनर भी बना सकते हैं। तो यूट्यूब बैनर की मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। यूट्यूब थंबनेल के बारे में आपको देखना है तो यूट्यूब थंबनेल पर आपको क्लिक करना है। तो ये अब यूट्यूब का थंबनेल हो गया। अब इसका आता है कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। हमें इसका कलर चेंज करना है। ये जो आप देख सकते हो, इस ये जो गोल गोल सर्कल सा आ रहा है, यहाँ पे बीच में गहरा है और साइड में थोड़ा हल्का है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको जो भी कलर चूज़ करना है वो कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब आती है यहाँ पर टेक्स्ट की बात। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे मैं जाता हूँ। टेक्स्ट पे यहाँ पर डबल टैप करना है, ठीक है। डबल टैप करने के बाद में आपको इस तरीके का न्यू टेक्स्ट पर, तो यहाँ पे लिखना है मुझे थंबनेल कैसे बनाए। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। तो इसे अब छोटा करने के लिए किस पर जाना है, ये ए वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कलर। कलर में आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है साइज़। सबसे पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। तो फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा लंबा कर देता हूँ, मुझे थोड़ा ये लंबा रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा, ताकि ये लंबा हो सके, ठीक है। ये लंबा हो गया फ्रेंड्स। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इतना बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे पूरे YouTube थंबनेल में आ जाए। YouTube थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा अंडरलाइन में आ गया। तो अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कलर मुझे मैं इसे येलो कलर रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस कलर का, सॉरी, अब इसका स्टाइल यानी कि फॉन्ट, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं अमरनाथ बोल्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अमरनाथ बोल्ड चूज़ किया है। आप जो को जो भी अच्छा लगे, ब्लॉगर है, ब्लॉगर स्टैंड बोल्ड है, और यहाँ पे है आर्म वेरेस्टर और अमरनाथ बोल्ड, रेगुलर अमरनाथ बोल्ड। तो मैं सिंपली अमरनाथ बोल्ड पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मैं और बड़े कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया। और मैं इसका बैकग्राउंड भी इसी लाइन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है बैकग्राउंड, तो इसका मैं बैकग्राउंड भी इनेबल कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसका बैकग्राउंड इसके उसे ब्लैक कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं या और डार्क रेड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बुरा सा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा मैंने काला कर दिया। अब फ्रेंड्स, अब आती है यहाँ पे फोटो। जैसे हम फोटो ऐड करते हैं, मान लीजिए हमें अपना फोटो ऐड करना है या फिर कोई भी अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ फोटो ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले किस आपको क्लिक करना है, ये बीच वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इंपोर्ट के ऑप्शन पे लिखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको फ़ोन की गैलरी में आपको ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे रिसेंटली फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक फ़ोटो ऐड करता हूँ। तो जैसे कि मैंने फ़ोटो कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए, तो मैं इस फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट फ़ोटो है, ये कुछ ऐसा है जालीदार सा, तो ठीक से ये डाउनलोड नहीं हो पाया। ये ट्रांसपेरेंट फ़ोटो है तो मैं इसे अभी नहीं लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं वापस जाता हूँ अपने इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में मैं अपने फ़ोटो पर एक यूट्यूब का लोगो ले लेता हूँ। यूट्यूब का जैसे ही मैं लोगो लेता हूँ, तो फ्रेंड मुझे ये चाहिए केवल गोल, क्योंकि ये बहुत गोल है और मैंने ये गोल वाले इस पर क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस पर यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड में, इस साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे मैंने गोल वाले पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं अनक्लिक कर दिया, अब क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स, इतना ही सिलेक्ट करना है जितना कि हमें चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो फ्रेंड अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये पूरी तरह से गोल कर लिया है और मैं इसे फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा सा साइड में लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर और टैक्स लगाना है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको और टेक्स्ट एडिटर में डालना है तो सिंपली ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे एडिट पर क्लिक कीजिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, तो मैं इसे सिंपली ओके कर देता हूँ और मुझे ये थोड़ा सा स्लाइड कर देना और मुझे काफ़ी ये बड़ा लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं इसे सिंपली अब इसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे फिर से बड़ा करना है, तो मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे बड़ा करने के लिए यहाँ पे आना है टेक्स्ट साइज पे, तो टेक्स्ट साइज पे इसे सिंपली यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा और ऐसा कर लीजिए और इसे जितना चाहे बड़ा कर उसके अकॉर्डिंग करिए, ताकि थोड़ा खाली खाली ना लगे और थोड़ा हमें बड़ा सा लगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लिख दिया है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, अभी थोड़ा सा भरा हुआ सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी कुछ थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स और भी इसे छोटा कर लीजिए। सो फ्रेंड्स अभी ये हो चुका है, अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने फॉन्ट चेक किया कुछ इस तरीके से, इस पे बी वाले ऑप्शन पे भी इसे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसे फॉन्ट पे जाके अमरनाथ वाला बोल्ड पर इसे क्लिक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसी पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा भरा हुआ है तो मैं इसका बैकग्राउंड नहीं लगाऊंगा, इसका डायरेक्टली कलर चेंज करता हूँ। तो सिर्फ शुरू में जाना है आपको, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ तीसरे चौथा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा थंबनेल बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इमोजी ऐड करता हूँ, तो इमोजी ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट पर ही क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक करने हैं, तो जैसे आप अपने कीबोर्ड में से कोई इमोजी ले लीजिएगा, तो यहाँ पे इमोजी जैसे मैं ले लेता हूँ इमोजी, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इमोजी कुछ ऐसे ले लेता हूँ जिससे कि लगे कि हाँ थोड़ा भरा हुआ है थंबनेल है। ठीक है, मैं ये वाला इमोजी ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाला इमोजी ले लिया और सिंपली मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसे बड़ा करके और यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ पे सरका लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा, थंबनेल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यूट्यूब पर थंबनेल बनाते हैं। तो अगर आप इसे सेव करना चाहेंगे तो सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो सेव एस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेव एस इसे सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये सेव टू गैलरी में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे सेव टू गैलरी में करते हैं तो गैलरी में सेव हो जाएगा, शेयर करें तो शेयर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेव हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेव। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।